बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मैं हूँ आपका होस्ट बीर मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं टेक्निकल लर्निंग टीवी। दोस्तों, मैं आपको ऑटोकैड 2006 कंप्लीट कोर्स करवाने वाला हूँ और दोस्तों इंशाल्लाह मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसकी वीडियो बनाकर आपको घर बैठे आपको वीडियो प्रोवाइड करूँगा। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि अगर आप घर बैठे ऑटोकैड सीखना चाहते हैं, क्योंकि आज कल लॉकडाउन के दिन चल रहे हैं तो ज़ाहरी बात है बाय क्लास नहीं हो रही, तो फ्रेंड्स अगर आप घर बैठे ऑटोकैड सीखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को टेक्निकल लर्निंग टीवी को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आपका हमारे आने वाले हर न्यू वीडियो की अपडेट मिल सके। और दोस्तों, ये वीडियो मैं ख़ासकर अपने बहुत ही प्यारे दोस्त जैन भाई के लिए बना रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं ऑटोकैड को ओपन करता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको इसको रजिस्टर करना और इसको इंस्टॉल करना बताऊँगा कि आप इसको इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं और इसको रजिस्टर कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, ये हमारे पास ऑटोकैड के सॉफ्टवेयर मौजूद है, इसको मैं सबसे पहले ओपन करता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पे सेटअप पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर मैं यस पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर आपने स्टैंड अलोन इंस्टॉलेशन पर क्लिक करना है, इसके बाद आपने इंस्टॉल पर क्लिक करना है और यहाँ पर दोस्तों आपने कर देना ओके। दोस्तों, हमारे पास इंस्टॉलेशन हो रही है। दोस्तों, आपने यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है और यहाँ पर दोस्तों आपने इसकी कुछ टर्म्स हैं ऑटो डिस्क की, तो आपने यहाँ पर इसको एक्सेप्ट कर लेना है, यहाँ पर आपने नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पर दोस्तों ये सीरियल नंबर मांगा है। दोस्तों, आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, ऑटो के 2006 का सीरियल नंबर 11 होता है, यहाँ पर आपने नेक्स्ट कर देना। उसके बाद दोस्तों आपने यहाँ पर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिख लेना है, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ इंजीनियर कंपनी। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं नेक्स्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर दोस्तों हमारे पास सेलेक्ट इंस्टॉलेशन टाइप है। दोस्तों, एक टेक्निकल है, एक कस्टम है। दोस्तों, हमने यहाँ पर कस्टम पर क्लिक करना है, यहाँ पर हमें नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद हमने यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पर दोस्तों आपने इंस्टॉल एक्सप्रेस टूल्स और इंस्टॉल 3D DWF पब्लिश, ये भी इसको आपने चेक करना है। यहाँ पर दोस्तों आपने नेक्स्ट कर देना है, फिर नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पर दोस्तों डिस्प्ले डॉट ऑटो डिस्क 2006 शॉर्टकट ऑन माय डेस्कटॉप, यानी जब हमारा ऑटोकैड इंस्टॉल हो जाएगा तो इसका आइकन हमारे कंप्यूटर के डेस्कटॉप पर हमें शो होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट कर दिया। अब दोस्तों हमारे पास ऑटोकैड का सेटअप जो है ये अब इंस्टॉल हो रहा है। फ्रेंड्स, मेरे ख्याल में मेरे कंप्यूटर की स्पीड काफ़ी स्लो है। दोस्तों, मैंने इस पीसी में और भी काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर किए हुए हैं जो कि काफ़ी हाई लेवल और हाई वर्जन में है, इसलिए इसकी स्पीड ज़रा स्लो हो गई है। लेकिन दोस्तों, आप परेशानी ना, आपके पीसी में ये बहुत जल्दी इंस्टॉल हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो ज़रा लंबी ना हो तो इसलिए मैं ज़रा वीडियो को यहाँ पे रोक लेता हूँ ताकि इसकी इंस्टॉलेशन ज़रा हो जाए। दोस्तों, जब तक ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है हम इसको हम यहाँ पे कट कर देते हैं, इसके अंदर भी ज़रूरत नहीं है, हम इसके यहाँ मिनिमाइज कर देते हैं। शायद स्पीड स्लो इसी वजह से ये कट भी नहीं हो रहा, ना मिनिमाइज हो रहा। दोस्तों, आपने फिनिश कर देना है।
पे 200 ऑटो कैड रेडमी ये इसका भेज आएगा, 200 आप उसको चाहे तो रीड कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ से कट कर देंगे। दोस्तों ये हमारे पास ऑटो कैड का आइकन आ गया। दोस्तों इसको ओपन करने के दो तरीके हैं, एक हम इसको राइट क्लिक करने के बाद रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करते हैं, अगर आप इसको बार बार ओपन ऐसा नहीं करना चाहते तो आप जस्ट इसको डबल क्लिक पर क्लिक करने पर इसको ओपन कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप इसको राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद आप प्रॉपर्टीज में जाएंगे, प्रॉपर्टीज में जाने के बाद आप यहाँ पर एडवांस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपने रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पर क्लिक कर देना है, यहाँ पर आपने ओके कर देना है, यहाँ पर आपने अप्लाई करने के बाद कंटिन्यू करने के बाद आपने यहाँ से ओके कर देना है। दोस्तों आप इसको जस्ट डबल क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा, ऐसा आपने यस कर देना है। दोस्तों आपने ऑटो कैड को एक्टिवेट कर लेना है, यहाँ पर आप एक्टिवेट करने के लिए इसको आप नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करने के बाद आप यहाँ पर इंटर एंड एक्टिवेट कोड पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों आप यहाँ से कंट्री मांग रहे हैं तो यहाँ पर मैं पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर दोस्तों आपने रिक्वेस्ट कोड है इसको आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है कंट्रोल सी की वजह से। अब दोस्तों आपने इसके सॉफ्टवेयर में जाना है, यहाँ पर दोस्तों आपने ऑटो कैड सॉफ्टवेयर में आ गए हैं, यहाँ पर दोस्तों आपने ये ट्रैक फोल्ड नज़र आ रहा हो इसका आपने यहाँ पर ओपन कर लें, यहाँ पर अपने कीजिए में जाना, यहाँ पर दोस्तों रिक्वेस्ट कोड मांग रहा है जो कि हमने वहाँ से हमने कॉपी किया था। दोस्तों हम जैसे यहाँ पर रिक्वेस्ट कोड पेस्ट करेंगे तो हमें एक्टिवेशन कोड मिल जाएगा, मैं यहाँ से कंट्रोल पी करता हूँ तो हमारे पास एक्टिवेशन कोड आ चुका है, हम इसको कंट्रोल पी सी की वजह से कॉपी करेंगे, अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है तो मैं यहाँ पर आऊँगा। दोस्तों यहाँ पर हमें एक्टिवेशन कोड चाहिए था जो हमारे पास हमने कॉपी किया हुआ है, कंट्रोल वी करेंगे, यहाँ जैसे हम नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ से फिनिश कर देंगे, हमारे पास ऑटो कैड ये लाइफ टाइम के लिए हमारे पास रजिस्टर एक्टिवेट हो गया है। हम दोस्तों एक बार पास ऑटो कैड पे गया है, दोस्तों आप इसको नो कर देना, यहाँ से ये कर दें, दोस्तों हम हमें फिलहाल स्क्रीन पर काफ़ी सारे टूल बार नजर आए जिनकी हमें भी जरूरत नहीं है, हम इनको यहाँ से कट कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, फ्रेंड्स देख रहे हैं आपको स्क्रीन पर ये कर्स नज़र आ रहा है, इसके साइज़ बहुत छोटा है, ठीक है, हम इसको हम काम के लिहाज से हम इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें इसकी और भी कुछ सेटिंग करनी पड़ती हैं जिनको हम जस्ट परमानेंट सेटिंग बोलते हैं, क्योंकि इनको हम हर बार जब हम कैड ओपन करते हैं तो हमें हर बार इन सेटिंग को नहीं करना पड़ता, हम इन सेटिंग को जस्ट एक बार ही करते हैं। इसके लिए आप OS एंटर करेंगे, OS करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर कुछ बॉक्स नज़र आ रहे होंगे, दोस्तों आप इनको सिलेक्ट ऑल कर देना है, ठीक हो गया फ्रेंड्स। उसके बाद दोस्तों आपने यहाँ पर ऑप्शन में आ जाना है, ऑप्शन में आने के बाद आपने यहाँ पर डिस्प्ले पे क्लिक करना है, डिस्प्ले पे क्लिक करने के बाद आप इसको सेल का 30-31 कर लें, 30 कर लेते हैं, यहाँ दोस्तों आपने फिर सिलेक्शन में आ जाना है, यहाँ पर दोस्तों इसमें आप इसका थोड़ा साइज बड़ा कर देना है, पिक बॉक्स साइज और यहाँ पर ग्रिप साइज भी थोड़ा सा आपने बड़ा कर देना है, यहाँ पर ड्राफ्टिंग में आएंगे, ड्राफ्टिंग में थोड़ा साइज का बड़ा कर देते हैं, ऑटो स्नैप मार्क साइज, एंड दोस्तों आपने अप्लाई कर देना है, अप्लाई करने के बाद आप उसे ओके कर देना है। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि इसके अंदर आपका हमें काफ़ी क्लियरली नज़र आ रहा है। तो दोस्तों अब हमने ऑटो कैड को इंस्टॉल कर लिया, इंस्टॉल करने के बाद हमने इसको रजिस्टर कर लिया, दोस्तों अब हम इसको सेटिंग ही बताऊँगा कि जब हम कैड में कोई ड्राइंग बनाते हैं तो ड्राइंग बनाने के लिए सबसे पहले हम इसका पेज तैयार करते हैं, तो पेज कैसे तैयार करते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आप एक कमांड पुट करेंगे जो आप हर ड्राइंग बनाने से पहले लाजमी उसका पेज सेट करेंगे, उसके लिए आप यहाँ पर MV सेटअप लगाएंगे, MV सेटअप, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर आपने एंटर कर देना है, स्पेस कर देना है एक ही बात, यहाँ पर आपने नो कर देना है, यहाँ पर आपने आर्किटेक्चर कर देना है, यहाँ पर आपने इसका साइज़ देना है पेज का साइज़ जो कि एक फिक्स साइज़ है 96x8x12, ठीक है फ्रेंड, हमारे पास ये बॉक्स आ गया फ्रेंड, आपने इसको क्लिक करने के बाद आपने कीबोर्ड से डिलीट कर देना है, अगर दोस्तों एक बार कीबोर्ड खोलने के बाद जो बटन उठेगा इसकी आपने इसको प्रेस कर देना है। अब दोस्तों आपने डी कमांड एंटर करनी है, यहाँ आपने मॉडिफाई पर क्लिक करना है, मॉडिफाई पर क्लिक करने के बाद आपने लाइन पर आना, लाइन पर आने के बाद आपने यहाँ पर फिक्स करना है,
इस पर आपने सिंगल एरोस पर आना, यहाँ पर आपने 200, इसका एरो साइज आपने 1 फिट लगाना है, आप 9 फिट भी लगा सकते हैं, वैसे ज़्यादा हम 1 फिट लगाते हैं। यहाँ पर आपने 200 नन कर देना, नन करने के बाद आपने टेक्स्ट पर आना है, यहाँ पर आपने 3 डॉट पर क्लिक करना है, 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर आ जाएंगे फॉन्ट साइज में, यहाँ पर दोस्तों आपने टी कीबोर्ड से एंटर करना है, हमें थोमा यहाँ पर एंटर करना है, ठीक हो गया। यहाँ पर आपने टेक्स्ट हाइट देनी है 1 फिट, यहाँ पर आपने अप्लाई करना है, यहाँ से क्लोज कर देना है, यहाँ पर दोस्तों आपने ISO स्टैंडर्ड पर क्लिक करना है, और उसके बाद दोस्तों आपने यहाँ पर फिर टेक्स्ट हाइट एंटर करनी है 1 फिट, उसके बाद यहाँ पर आपने 1 फिट पर आना है, यहाँ पर आप टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, उसके बाद दोस्तों पैरामीटर्स में आ जाए, यहाँ पर आपने टेक्स्ट पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपने इसकी साइज देना है 1/8 देना है, ठीक है। यहाँ पर आपने ओके कर देना है, यहाँ से आपने कर देना क्लोज, ठीक है फ्रेंड्स। मेरे ख्याल में फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही काफ़ी, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी होगी और आप कहीं वीडियो देखते देखते बोर ना हो जाए, तो इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में आपको कुछ कमांड बताऊंगा, इसकी बेसिक कमांड, तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में इनके स्टेप बाय स्टेप आपको इंशाल्लाह कमर ऑटोकैड सॉफ्टवेयर के बारे में बताऊँगा, ठीक है फ्रेंड्स। मैं उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपकी वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर दोस्तों आपकी वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और फ्रेंड्स अगर आप चाहते हैं कि आपके दोस्त को ऑटोकैड सीखें तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर करें। ओके दोस्तों इंशाल्लाह अगली नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।